गुड मॉर्निंग गाइस। सो आई नो कि भाई मैंने कल वीडियो बनस्थली विद्यापीठ में ही अंदर ड्रॉप कर दिया था। सो कट टू द नेक्स्ट डे, आज हम निकल गए हैं जयपुर से वापसी अपना दिल्ली तक के लिए। सबसे पहले सुबह जा रहे हैं अपना नाश्ता करने, जो कि है गौरव। तो यार यहाँ पे तो ऐसा कुछ मिला नहीं है अभी, हो सकता है अंदर जाते तो मिल जाता, बट हम लोग प्रेफर किए कि बाहर चले। तो बाहर बेसिकली हमको बीकानेर वाला हमने देखा, कोई हाईवे पे दिख रहा है, थोड़ा सा डिविएशन था रूट पे, तो बट वही लेना समझा कि भी बार बार से निकल जाएंगे, बार बार से पकड़ लेंगे हाईवे भी, और वो है बस। तो कल का दिन तो यार मेरा उसका पूरा का पूरा रूम सेट करने में, डॉक्यूमेंटेशन देखने में, सब ऐसे ही निकल गया। तो मैंने कहा वो क्या ही शूट करूँ, हॉस्टल लाइफ आप सबको पता है बच्चों की कैसी होती है, तो फुल इसी तरीके से निकल गया। वो सब मैंने शूट नहीं किया है, सभी को पता है क्या होता है हॉस्टल में। सो गर्ल्स हॉस्टल है एंड बनस्थली विद्यापीठ इज अ रियली गुड यूनिवर्सिटी। आप अगर इसको रैंक में देखोगे गूगल में तो आपको पता चल जाएगा मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। थोड़ी सी रिसर्च अपनी भी कर लो भाई, अगर आपने अपने बच्चों को भेजना है तो। नहीं, अब चलते हैं हम आगे रोड पे। आज का एक्चुअली एजेंडा ये है कि हमें ना आपको अच्छी अच्छी रोडें दिखानी है जो हमने भी कभी कवर नहीं करी, और आप भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे होगे, जैसे कि दिल्ली मुंबई का एक्सप्रेस वे। तो हमारा एजेंडा इस रोड ट्रिप का यही है कि हम न्यू रोड्स कवर करें और आपको भी दिखाएं और खुद भी एक्सपीरियंस ले। अब आपको पसंद आ रही है तो आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है, भूल ना जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और साथ में मुझे ये बताओ कि आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हो, और राजस्थान जयपुर से और ये निवेई साइड से हो तो जरूर कॉमेंट करना, ठीक है। हम आपको मिलते हैं आगे अब नाश्ते पे। कहाँ पे है, क्या है, अभी हमें भी नहीं पता, तो हमने तो सिर्फ अभी बीकानेर का रास्ता लगाया हुआ है यहाँ पे, जो कि आने वाला है 2 मिनट में। ये है टोंक रोड और बीकानेर वाला है राइट साइड। अभी अपन लोग सीधा जाएंगे, यू टर्न मारेंगे और खाएंगे पिएंगे, अपनी पेट पूजा करेंगे और उसके बाद गोली की भी पेट पूजा कराएंगे। इसका भी टैंक अभी आधे से तो कम हो ही गया है, तो भरवाना तो है ही है। बीकानेर घूमने के लिए हमें बहुत घूमना पड़ा, इतना घूमना पड़ा कि क्या ही बताएं। तो बट पहुंच गए यहाँ पे, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन चल रही है तो इसलिए बहुत घूमना पड़ा। आज का नाश्ता है हमारा कचौड़ी आलू और साथ में चाय। कुछ हैवी नहीं खाना था, बिकॉज 2 दिन से हम बाहर का कुछ ऐसा ही खा रहे हैं, तो इसलिए हल्का फुल्का खा के आगे निकलेंगे, आगे गुड़गांव जाके देखेंगे। ब्रेड पकौड़ा ले लो, बोल दे पहले ये खा लो फिर ले लेते हैं, या अभी बोल दो, बोल दे। हमारे नाश्ते के बाद अब जा रहे हैं गोली का नाश्ता कराने। यार कल ऑरेंज अलर्ट था, कुछ खास बारिश तो यहाँ पे हुई नहीं राजस्थान में। और गौरव आपको एक चीज बताते हैं, गोली यहाँ पे क्या हुई है गौरव? यार ये राजस्थान में हम पहली बार एंटर हुए हैं, अपनी गोली फर्स्ट टाइम एंटर हुई है राजस्थान में बाय रोड। आई थिंक ऑलमोस्ट हमने इंडिया कवर कर लिया है बाय रोड। एक दो स्टेट्स हैं जो हमने नहीं कवर किए हैं, वो भी वो ऐसे रिमोट स्टेट्स हैं जहाँ शायद जाना मुश्किल होता है। नहीं बट एक है गुजरात जहाँ हम जा सकते हैं, और हमारा प्लान भी है जाने का, अभी तक हम गए नहीं है, तो उसका प्लान भी बहुत जल्दी बनाएंगे, स्पेशल बनाएंगे कि हम स्पेशल गुजरात ही कवर कर रहे हैं जाके। तो गुजरात जाएंगे और राजस्थान फाइनली हम एंटर हो गए, सुपर डुपर एक्साइटेड बाय रोड। मतलब बैंगलोर से इस तरीके के ट्रिप्स करना ना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल वाली बात हो जाती है, बिकॉज द डिस्टेंस इज़ वेरी ह्यूज। तो बाय रोड आना और फिर उसको इंजॉय करना ही समथिंग एल्स। तो ये वही समझ सकता है भाई जो लॉन्ग रोड ट्रिप्स पे निकलते हैं, छोटे मोटे 200-500 वाले किलोमीटर के रोड ट्रिप तो हमें बच्चों वाले रोड ट्रिप लगते हैं एक्चुअली, तो हमें पता भी नहीं चलता और हमें रियलाइज भी नहीं होता वो रोड ट्रिप्स एक्चुअली रोड ट्रिप्स हैं। सिर्फ 10 लीटर ही पेट्रोल भरवा रहे हैं, राजस्थान में पेट्रोल काफी एक्सपेंसिव है देख रहे हो सामने। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन है तो एक बार चेक करा लेते हैं, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, हम नाइट्रोजन भरवा के चले थे तो देखते हैं। यहाँ पे नॉर्मल हवा है तो हम तो आगे निकल रहे हैं, नाइट्रोजन होती तो शायद भरवा लेते। कई जगह हाईवेज पे ना रिलायंस के पेट्रोल पंप्स पे नाइट्रोजन अवेलेबल होती है, सो वो आप चेक कर सकते हो। यार
क्या ही सुंदर रोड है यार, अरावली के बीच में से हम लोग निकल रहे हैं और ये मस्त रोड लग रही है। घाटी करोलान रोड है ये, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, अगर गलती कर रही हूँ तो भाई नीचे बता देना मुझे कमेंट करके। दिल्ली के लिए हमें इतने छोटे से रास्ते से अंदर निकलना है। एक्सप्रेसवे पकड़ रहे हैं जो दिल्ली, जो मुंबई दिल्ली वाला एक्सप्रेसवे है। मर्ज विद नेशनल एक्सप्रेसवे 4। हाँ, तो ये नेशनल एक्सप्रेसवे 4 आ गया। वापसी हम उसी साइड जा रहे हैं, पिछली बारी हम आते साइड वहाँ नीचे से आए थे पुल से, याद होगा आपको, अभी वीडियो में देखा होगा। ये अब हम एक्सप्रेसवे पकड़ रहे हैं वापसी दिल्ली के लिए। तो 60-70 किलोमीटर हम आगे से पकड़े हैं इसको, क्योंकि अभी कितना किलोमीटर दिखा रहा है, 214, और उस टाइम पे आई थिंक 300 के अराउंड दिखा रहा था। 70 किलोमीटर बाद में
स्वाद ही इतना गौरव ने रेस्ट एरिया की तरफ उतारा है और ये है हरियाणा का पहला पेट्रोल पंप। पिछले वीडियो में आपको बताया था, हाँ माता चुप हो जा, पीछे आपको वीडियो में दिखाया था कि हरियाणा का लास्ट पेट्रोल पंप आया था। अभी हम फर्स्ट पेट्रोल पंप पे पहुंचे, जो कि पेट्रोल पंप अभी है नहीं शुरू होगा। तो यहाँ पे ना हाईवे पे NE4 पे अभी पेट्रोल पंप्स भी नहीं है। एक्चुअली ये जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं ये जुलाई का वीडियो है, आप तक जब ये वीडियो आएगा तब तक काफी मंथ्स हो चुके होंगे, तो काफी इम्प्रूवमेंट भी हो चुका होगा आई गेस। वहां पे सारा पेट्रोल पंप का एरिया है पूरा जो आप देख रहे हो। सो रेस्ट रूम तो गौरव यहीं मिलेगा मेरे यहाँ से, आगे है क्या पूछ लो, यहाँ से और जाने का कहाँ रास्ता है, जिगजैग जिगजैग। यार ये तो वो हो रहा है गाड़ी का टेस्ट। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप का मुझे वो दिख नहीं रहा है, कहाँ है, है क्या, हाँ है, छोटी सी ऑरेंज सी छत दिख रही है मुझे, वो है यहाँ पर। अंदर ले लो ना पता चल जाएगा, इधर रोक लो ना या आगे ले जाओ गाड़ी, बैक कर लेना। यहाँ से एग्जैक्टली 100 किलोमीटर बचा है गुड़गांव, जो कि हम पहुंचने वाले हैं 1.5 घंटे में। सो 3:10 दिखा रहा था पहले, अभी 3 बजे दिखा रहा है, सो मोर लाइकली ऑलमोस्ट सेम टाइम पे, 10-15 मिनट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस अब निकलते हैं, रेस्ट 100 किलोमीटर रह गए हैं गुड़गांव पहुंचने तक, और फिर हम आपको मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट ट्रिप पे। और कहाँ मिलेंगे यार वो तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि रैंडम हम कहीं पे भी निकल जाते हैं। ये सारे कावड़ हैं इस वक्त जुलाई में, आपको पता है कावड़ चल रहे होते हैं, आई थिंक डार्क कावड़ है ये, है ना, डार्क कावड़ है। नॉन स्टॉप चलते हैं एक्चुअली, तो गौरव अभी वीडियो खत्म करेंगे, इनको रूट और दिखाना, सारा रूट तो ऐसे ही है, गुड़गांव इन्होंने देखा हुआ है, हमने दिखा दिया, देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर कभी दिखा देंगे, बट मेरे ख्याल से कुछ है नहीं ज्यादा। हाँ तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, हमें कॉमेंट करके जरूर बताना आप हमें कहाँ से देख रहे हो, और चैनल अगर सब्सक्राइब करना भूल गए हो अभी की अभी अपना प्यारा सा सब्सक्राइब दे दो, और लाइक जरूर करना, अपना प्यारा सा हार्ट भी दे दो साथ में, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और आपको इंस्टाग्राम पे जो हमारे रील्स जा रहे हैं फनी रील्स जा रहे हैं एक्चुअली, तो हम लोग मस्ती करते रहते हैं रोड ट्रिप पे, कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, वो भी जरूर कमेंट करके हमें बताया करो, कैसे पता चलेगा ना हमें, ठीक है। सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट ट्रिप पे। सो आप अपना बहुत सारा ध्यान रखना, अपने परिवार का बहुत सारा ध्यान रखना, और हम चलते हैं आगे रोड नापने, चलिए फिर मिलते हैं।